हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर टेरेस, इट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट डिवीजन डेलिक्टोफाइटा टू विच दिस प्लांट टेरेस बिलोंग्स। सो फिडिकोफाइटा जो है वो एक लार्जेस्ट ग्रुप है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का, और कॉमनली इसके प्लांट्स फर्न्स कहलाते हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर तरह के हैबिटेट्स में ये इसके प्लांट्स मिले हैं, इसके मेंबर्स मिले हैं। और मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो डैम्प यानी मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशंस जो होती हैं माउंटेन्स में, जो रीजन्स होते हैं जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं, फॉरेस्ट रीजन खासकर, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यूजुअली पेरिडियल होते हैं इसके प्लांट, डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, और प्लांट जो होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट स्टेम एंड लीव्स में। लीव्स जो होते हैं वो इसके लार्ज होते हैं एंड दे आर नोन एज फ्रॉन्ड्स। और लीव्स जो हैं मोस्टली कंपाउंड होते हैं, साथ ही सर्सेनिक वर्नेशन दिखाई देती है, और ईच लीफलेट जो है उसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं उसके लेमिना में। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक लीफ है जिसके बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स में सेगमेंट्स में कट हो चुका है, ठीक है। और एक लीफ जो एक लेमिना होना चाहिए था, कंप्लीट एक लेमिना, उसमें कट्स लगे हुए हैं, और वो कट लगने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए हैं। और इसका एंड जब देखोगे वहाँ पर ये रोल हुआ है, कॉइल्ड हो रखा है, तो जो यंग पार्ट जो होता है लीफ का, जब वो ओपन होता है, ग्रो कर रहा होता है, और जब ओपन होता है इस तरह से रोल करके अनकॉइल होकर ओपन होने के मैकेनिज्म को सर्सिनेट वर्नेशन कहा जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टर्म के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब क्या होता है। और कंपाउंड है क्योंकि एक लीफ जो है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स या सेक्शंस या लीफलेट्स बने हुए हैं, इसलिए कंपाउंड है। और हर लीफलेट पे वेन्स जो है प्रेजेंट होती हैं। जो इसकी स्टील है वो प्रोटोस्टील टाइप की है, और बेसिकली प्रोटोस्टील से लेकर कॉम्प्लेक्स साइफोनोस्टील तक की टाइप्स जो है इसके मेंबर्स में देखी गई है। साथ ही इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है। लीफ गैप क्या होता है? अगर वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर सप्लाई लीफ की तरफ जाता है, स्टेम से लीफ की तरफ एक ब्रांच निकलती है वेस्कुलर सप्लाई की, तो जहाँ से वो ब्रांच डाइवर्ट हुई है लीफ की तरफ, वहाँ पर पेरेन्काइमेटस या कॉर्टेक्स के सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और फिर वो एक गैप बन जाता है। जो कंटिन्यूस सप्लाई हो रही थी वेस्कुलर बंडल्स की, वहाँ पर एक गैप बन जाता है जिसको फिल पेरेन्काइमेटस के सेल्स कर देते हैं, और वो क्या कहलाता है? लीफ गैप, ठीक है। कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। स्पोर्स की बात की जाए तो यूज होमोस्पोर से हेट्रोस्पोर्स तक इसमें जो है प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं। और जो स्पोर्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जो कि सोराई कहलाते हैं। और जो सोराई है वो बनते कहाँ पर है? जो लीफलेट्स हैं उसके लोअर सरफेस पर ये सोराई जो हैं, सोरल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं लोअर सरफेस पर, अबैक्सियल सरफेस पर लीफ के। और जो सोराई होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। वो ट्रू प्रोटेक्टिव कवरिंग भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, और वो कवरिंग का नाम क्या है? इंड्यूसिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम टेरेस के बारे में, जो कि इसी का फिलिकोफाइटा डिवीजन का मेंबर है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा क्लास को ही बिलोंग करेगा। ऑर्डर है फिलिकेल्स, फैमिली है पॉलीपोडिएसी, सब फैमिली है टेरिडोइडी, एंड जीनस है टेरिस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अराउंड 280 स्पीशीज जो हैं वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड डैम्प माउंटेन रीजन्स में। और जैसे कि हिमालयाज हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, जो
डेंस फॉरेस्ट होते हैं हिमालयन रीजन के, कुछ खासकर जो फुट हिल्स में नीचे वाले निचले जो हिमालयन रीजन्स में हैवी फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और साउथ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इंडिया में जो सबसे कॉमन स्पीशीज मिलती हैं वो टेरेस विटाटा की है और टेरेस वर्टिका एंड टेरेस क्वाड्री ऑरिटा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो रूट्स जो हैं सिंपल होती हैं। प्राइमरी रूट जो कि एम्ब्रियो से निकलती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और कुछ टाइम बाद एडवेंटिशियस रूट जो कि स्टेम से निकलती है वो उसको रिप्लेस कर देता है। स्टेम की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड राइजोम है। ठीक है, क्रीपिंग लाइक फैशन में ये मैनर में ये ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ब्रांचिंग करता है। ठीक है, तो स्टेम एरियल नहीं होती, इसमें स्टेम अंडरग्राउंड राइजोमेटस की होती है। और जो राइजोम है वो स्केल्स से कवर्ड रहता है, साथ ही एडवेंटिशियस रूट्स एंड लीव्स जो होते हैं वो राइजोम से अराइज होते हैं। फिर बात करते हैं लीव्स की, जो एरियल पार्ट जो है इस पूरे प्लांट का, मेनली लीव्स ही होते हैं इसका एरियल पार्ट। तो लीव्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कंपाउंड है। ठीक है, और कंपाउंड है मतलब लीफलेट्स में डिवाइडेड है लीफ, और लीफलेट को पिना भी कहा जा सकता है, और हर लीफलेट जो है वो सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब वो डायरेक्टली जो रेक्टिस होता है, मिडरिब। एक तो लीफ होता है सिंपल, सिंपल लीफ में एक मिडरिब होती है, लेकिन जब वही लीफ अगर कंपाउंड लीफ की तरह स्टडी किया जाए तो क्या होगा, लेमिना जो है फ्लैट सरफेस जो होता है लीफ का, वो सेगमेंट्स में कट होकर लीफलेट और पिना बना देता है, और जो मिडरिब होती है वो अब यहाँ पर रेकिस कहलाती है। तो जो लीफलेट्स हैं रेकिस पर डायरेक्टली ग्रो करती है, इसलिए वो सेसाइल कहलाती है। अगर कोई स्टॉक प्रेजेंट होती लीफलेट्स और रेकिस के बीच में, एक अटैचिंग स्टॉक प्रेजेंट होती, तो वो सेसाइल नहीं होते, लेकिन उसको स्टॉक्ड कहा जाता। लेकिन यहाँ पर जो लीफ है, लीफलेट है, वो डायरेक्टली रेटिस पर अराइज होता है, इसलिए उसको सेसाइल कहा जाएगा। और साथ ही एक एक मिडरिप जो होती है, हर छोटी लीफलेट्स में एक एक मिडरिप प्रेजेंट होती है, और जो ये मिडरिप है ये लिटरली वेन्स देती है। ठीक है, और वो वेन्स फॉर्क की तरह, जैसे काटा होता है ना, फॉर्क की तरह वाई शेप में ब्रांचेस देता है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये एक लीफलेट है और इसके बीच में से एक लंबी सी ग्रीन कलर की मिडरिप जा रही है, और इस ग्रीन मिडरिप से लेटरली वेन्स निकल रही हैं, और वो वेन्स कैसी हैं, वाई शेप में एंड हो रही हैं। ठीक है, ये एक जो लीफलेट है इसको पिना भी कह सकते हैं, और जो पिना है इसकी शेप अगर देखोगे तो बेस से ब्रॉड होती है और एंड से टेपरिंग होती है, एपेक्स टेपरिंग होता है इसका। और सारे के सारे पिना जो होते हैं वो एक रेकिस के ऊपर बॉर्न होते हैं, और जो रेकिस होता है वो हेयर्स और स्केल से पूरा रेकिस तो हेयर से कवर्ड होता है, और एक स्केल जो है वो लीफ के बेस पर, यानी रेकिस के बेस पर एक स्केल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रहे लीफलेट के बेस पर नहीं, जो कंप्लीट लीफ था उसका जो बेस था वहां पर स्केल प्रेजेंट होता है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो किस तरह से इसको दिखाया जा सकता है। सबसे नीचे राइजोम है जो कि मेन स्टेम है इसकी, अंडरग्राउंड राइजोमेटस स्टेम है, और उस स्टेम से रूट्स निकलती हैं जो कि एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और ऊपर की तरफ एरियल लीव्स निकलते हैं। यहाँ पर एरियल पोर्शन जो है वो जो कि लीव्स होता है वो निकलते हैं, और जो लीफ है वो कंपाउंड है, सेंटर में एक रेकिस होगा लीफ के, और बाकी सारे लीफलेट्स उस रेकिस से डायरेक्टली अराइज होंगे, इसलिए वो सेसाइल कहलाते हैं। यहाँ एक लीफलेट की स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, डी जो डायग्राम है, एक सेंटर में मिडरिब है, बेस लीफलेट का ब्रॉड है और एपेक्स नैरो है, और हर मिडरिब से जो है लेटरली
वेन्स निकल रही हैं फॉग या फिर वाई शेप में, ठीक है। ये एक जनरल डायग्राम है और ये टेरेस का प्लांट है। इसके लीव्स जो हैं काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर से कुछ फीट तक हो सकते हैं इसके जो लीव्स हैं उनकी लेंथ, और मॉइस्ट रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। और साथ ही कई बार जैसे दीवारें होती हैं और रॉक्स होते हैं उनके बीच में जब मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर भी ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, लीफलेट्स हैं बहुत सारे और सेंटर में एक वेकिस है जो कि एक्चुअली में लीफ का मिडरिब है, ठीक है, और उससे बहुत सारे लीफलेट्स बाहर निकल रहे हैं, लिटरली निकले हुए हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर टेरेस जो है इसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होते हैं वो ऑड नंबर होता है, यानी सारे लीफलेट्स पेयर्ड नहीं होते, जो लास्ट लीफलेट होता है वो सिंगल प्रेजेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हो सारे जो हैं लीफलेट साइड बाय साइड पेयर्ड हैं, लेकिन जो लास्ट वाला लीफलेट है वो सिंगल है, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको इम्पेरिपिनेट कंडीशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लोजली देख सकते हो, जो लीफलेट्स का बेस है वो ब्रॉड है, साथ ही ये रेकिस है सेंटर पे, जो एक स्टेम जो जा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में रेकिस है, यानी जो मेन लीफ था उसका मिडरिप था और उस पर हेयर्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब बात करते हैं एनाटॉमी की, ये तो था उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी जो है सबसे पहले रूट की स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर आउटलाइन होगी, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर जो है पिलीफेरस लेयर होगी। पिलीफेरस क्यों? क्योंकि उस पर उस लेयर पर जो है रूट हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उस लेयर से रूट हेयर्स जो है अराइज होते हैं, जो कि पिलाए जैसी फॉर्मेशन देते हैं, पिलाए जैसे अपीयरेंस देते हैं, इसलिए उसको पिलीफेरस लेयर कहा जाता है। बाकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस होती है, थिन वॉल सेल्स की बनी होती है और रूट हेयर्स बने होते हैं उस पर। एपिडर्मिस का जो सेल होता है वही बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर एक ट्यूब लाइक एक्सटेंशन देता है जो कि रूट हेयर बनाता है। सिंगल सेल्ड होता है रूट हेयर, मल्टी सेलुलर नहीं होता है। और कांस का क्या होता है? सिंपल जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट इनर लेयर जो है वो कॉर्टेक्स की होती है, जो कि मल्टी लेयर्ड होगी, दो जोन्स में डिवाइडेड होगी। आउटर जोन जो है वो थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी और जो इनर जोन है वो थिक वॉल स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होगी। उसके बाद और अंदर की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल प्रेजेंट होगी, थिन वॉल सेल से बनी होगी। उसके बाद स्टील प्रेजेंट होगी, स्टील जो है सिंपल टाइप की होगी। और जाइलम जो है वो एंडार्क होगा। जाइलम एंडार्क होने का मतलब क्या होगा? जो प्रोटोजाइलम है, जो प्रीवियसली प्रिमिटिव या इसमें कह सकते हैं प्री फॉर्म जाइलम, सबसे पहले जो बनने वाला जाइलम होता है वो सेंटर में है प्रोटोजाइलम, और उसके बाद लेट फॉर्मिंग जाइलम जो है मेटाजाइलम वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। और जाइलम की शेप जो है प्लेट लाइक होगी, फ्लैट प्लेट के जैसे वो अरेंज होगा, जिससे कि वो दो एजेस देगा, दो एंड्स देगा, जिसको डाई आर्क कंडीशन कहा जा सकता है, डाई आर्क शेप कहा जा सकता है। फ्लोएम जो है इस डाई आर्क जाइलम के दोनों तरफ प्रेजेंट होगा और सेंटर में पिथ जो है वो एब्सेंट होगा। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, उसके बाद अंदर पेरेन्काइमेटस आउटर कॉर्टेक्स है और उसके बाद इनर कॉर्टेक्स है स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स की। फिर अंदर की तरफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, फिर पेरिसाइकल है और फिर इनर मोस्ट जो है वेस्कुलर बंडल है, जो कि सेंटर में जो है जाइलम प्रेजेंट है और बाहर की तरफ उसमें फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रूट की एनाटॉमी। अब बात करते हैं स्टेम या राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम है इसलिए उसको यहाँ पर राइजोम कहा जाएगा, तो उसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। ओवल आउटलाइन होगी,
एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होगी, सिंगल लेयर्ड होगी, क्वाड्रेंगुलर जो है शेप होगी सेल्स की, नैरो होंगे और थिक क्यूटिकल की कोट प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस के ऊपर। फिर नेक्स्ट लेयर होगी हाइपोडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, मल्टी लेयर्ड स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर होगी। उसके बाद प्रॉपर कॉर्टेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ब्रॉड जोन है ये और पेरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। लीफ ट्रेसेस जो होते हैं या लीफ गैप्स जो होते हैं वो इसी रीजन में बनते हैं, ठीक है। फिर आती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। स्टील की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर जो है स्टील की पेरिसाइकल होगी, सेंटर में पिथ प्रेजेंट होगी। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक कंटिन्यूअस रिंग में अरेंज नहीं होते, बल्कि वेस्कुलर बंडल्स जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और हर पीस जो है अपना एक एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल की लेयर अपने साथ रखता है, और इस फॉर्मेशन को मेरिस्टील कहा जा सकता है। हर पीस जिसके पास अपना एक एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, जाइलम है, फ्लोएम है, वो मेरिस्टील कहलाता है। तो एक मेरिस्टील का स्ट्रक्चर क्या होगा? इट हैज सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, ठीक है, और 1 to 2 लेयर्ड पेरिसाइकल, फिर सेंट्रल जाइलम होगा, एंड जाइलम जो है वो मेसार्क होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम जो है वो दोनों तरफ मेटाजाइलम से सराउंडेड होगा, और प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा, और जाइलम एंड पेरिसाइकल के बीच में जो स्पेस होगा वो फ्लोएम के सेल्स साथ ही कुछ पेरेंकाइमा के सेल्स जो हैं उसको ऑक्यूपाई करेंगे उस स्पेस को। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस की लेयर है, फिर एक लेयर हाइपोडर्मिस की होगी, फिर उसके अंदर पेरेंकाइमेटस का ग्राउंड टिश्यू होगा या मास कह सकते हैं, और उसके अंदर जो है वेस्कुलर बंडल्स ब्रोकन पीसेस में प्रेजेंट है, और हर पीस का अपना एक एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम है, जाइलम है, और ये सब जिस तरह से अरेंज्ड है, सेंटर में एक पेरेंकाइमेटस सेल्स का जो है ग्रुप रह जाता है जो कि पिथ बनाता है, ठीक है। सेंटर में एक स्पेस रह जाता है जिसमें सिर्फ पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं पिथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेरिस्टील जो है, एक पीस जो है वेस्कुलर बंडल का, उसका किस तरह से अरेंजमेंट होगा। आउटर मोस्ट क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, फिर पेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आ जाता है वो एक पीस वेस्कुलर बंडल का या मेरिस्टील का, और उसमें क्या हो, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। आउटर मोस्ट एंडोडर्मिस होगी, और फिर पेरिसाइकल होगी, फिर जो है मेटाजाइलम होगा, एंड देन प्रोटोजाइलम होगा, और फिर जाइलम एंड पेरिसाइकल के बीच में जो रीजन है उसमें फ्लोएम के सेल्स प्रेजेंट होंगे, साथ ही कुछ पेरेंकाइमा के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। फिर बात करते हैं हम लास्ट में लीफ की। लीफ की अगर एनाटॉमी की बात करें तो लीफ में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो रेकिस है जो कि प्रॉपर लीफ का मिडरिब को रिप्रेजेंट करता है, वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है उसका, जिसको रेकिस कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसका वो लीफलेट है या पिना है, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं रेकिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेमी सर्कुलर आउटलाइन होती है इसकी, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की होगी, थिक क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होगी, कोटिंग प्रेजेंट होगी, और साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एपिडर्मिस है वो बाहर की तरफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देगी, ठीक है। वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो है मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर नहीं होंगे, और रेमेंटा कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रेमेंटा क्या होता है। फिर बात करते हैं हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस जो है वो 2 to 3 लेयर्ड होगी, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होगी, और कॉर्टेक्स जो है उसके, उससे इनर जो लेयर होगी वो प्रॉपर कॉर्टेक्स की होगी जो कि पेरेंकाइमा के सेल्स की बनी होगी, मल्टी लेयर्ड होगी। वेस्कुलर बंडल की बात की जाए तो सी शेप का होगा वेस्कुलर बंडल, और मेरिस्टील जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे राइजोम में मेरिस्टील था ऐसे ही यहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर होगा। सिंगल लेयर्ड
एंडोडर्मिस होगी जिसमें कैस्पियन स्ट्रिप्स होंगी, फिर 1 to 2 लेयर पेरिसाइकिल होगी अंदर की तरफ, और जो जाइलम है वो एक्सार्क होगा और डायआर्क होगा। डायआर्क मतलब उसके दो एंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। और एक्सार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, और ये सराउंडेड होगा फ्लोएम से, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर लीफलेट की या पिन्ना की। जो पिन्ना है वो उसकी शेप, अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम कट करें तो हमारे पास विंग लाइक आउटलाइन आती है। अगर हम लीफलेट को साइड से कट करें तो इस तरह से हमारे पास विंग लाइक स्ट्रक्चर आता है। सेंटर में जो है वो उसकी मिड रिब होती है और साइड में उसका फ्लैट लेमिना होता है। और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस होता है एक, तो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होगा, अपर एंड लोअर दोनों साइड प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और साथ ही एपिडर्मिस लोअर या अपर हो उसमें उसके ऊपर थिक क्यूटिकल की कोटिंग प्रेजेंट होती है। बीच में मीजोफिल के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी का मतलब बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। साथ ही मीजोफिल के सेल्स पेरेन्काइमा के बने होते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत सारा होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। वेस्कुलर बंडल की बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल, मेन वेस्कुलर बंडल जो है वो लीफलेट के मिडरिप वाले रीजन में मिलेगा, और जहाँ पर मिडरिप प्रेजेंट होगी वहाँ पर एपिडर्मिस के इमीडिएटली नेक्स्ट हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी जो कि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की बनी होगी। उसके बाद प्रॉपर जो मीजोफिल के सेल्स हैं या कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और फिर सेंटर में जो है ये वेस्कुलर बंडल जो है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी विंग जो होगा, बाकी जो फ्लैट लीफ होता है, लीफ का स्ट्रक्चर होता है, वहां पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस नहीं होगी। ये स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस सिर्फ जो मिडरिब है उसके ऊपर और नीचे वाले रीजन्स में प्रेजेंट होगी। फिर बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की। जाइलम जो है सेंट्रल होगा, फ्लोएम उसको सराउंड करेगा, पेरिसाइकल प्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ मूव करेंगे और उसके बाहर एंडोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो रेकिस का डायग्राम। ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर से इसकी शेप होती है, और एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर, उसमें उसके ऊपर क्यूटिकल की कोटिंग होती है। और एपिडर्मिस की सेल्स को अगर ध्यान से देखोगे तो बाहर की तरफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मल्टी सेलुलर हैं। एपिडर्मिस की अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है जो कि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की बनी है, और उसके अंदर मूव करेंगे तो पेरेनकाइमेटस जो है कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, और फिर अंदर की तरफ सेंटर में सी शेप्ड या वी शेप्ड जो है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, जिसकी आउटर मोस्ट एंटोडर्मिस प्रेजेंट होगी जिसमें कैस्पियन स्ट्रिप्स होंगी, साथ ही पेरिसाइकल जो है वो प्रेजेंट होगी, और अंदर की तरफ बिल्कुल सेंटर में जो है जाइलम प्रेजेंट होगा, और जाइलम और पेरिसाइकल के बीच में फ्लोइंग टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लीफलेट के सेक्शन की। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, दोनों तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, अपर क्यूटिकल होगी, लोअर क्यूटिकल होगी बाहर की तरफ, और फिर मूव करेंगे अंदर की तरफ तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होगा जिसको जो कि मीजोफिल बनाएगा, सेंट्रल लेयर बनाएगा, और जहाँ पर मिडरिप प्रेजेंट होगी, जहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। वहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एपिडर्मिस के जो है हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिडरिप वाले रीजन में प्रेजेंट होगी जहाँ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, बाकी लेमिना जो होता है जहाँ पर ग्रीन रीजन जो होता है वहां पर ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिर्फ मिडरिप वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर फिर सेंटर में वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होगा, और वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कवर्ड होगा, प्रोटेक्टेड होगा, एनक्लोज्ड होगा एंडोडर्मिस की लेयर के अंदर। एंडोडर्मिस से नेक्स्ट पेरिसाइकल होगी,
और सेंटर में जो है जाइलम प्रेजेंट होगा, और जाइलम और पेरिसाइकिल के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ओके देन ये जो स्ट्रक्चर था ये लीफलेट का एक सेक्शन था, और यहाँ पर आकर आपका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है टेरेस की वो कंप्लीट होती है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर टेरेस की अगर हम बात करें तो, और जो मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के उनके कंपैरिजन में सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अंडरग्राउंड स्टेम होगी, राइजोम, उस पर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होंगी और एरियल लीफ प्रेजेंट होंगे, और जो लीव्स हैं वो कंपाउंड होंगे यानी रेकिस एंड पिना या लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नया इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होता। हाँ, साथ में एक रेमेंटा जो है वो याद रखना पड़ेगा, और मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे रेकिस के ऊपर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी ऑफ टेरिस। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन टेरिस। अगर यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया कोई स्ट्रक्चर तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।